विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान को लेकर इंडियन साइंटिस्ट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ICMR ने असम के डिब्रूगढ़ में एक कोविड टेस्ट किट तैयार की है। इस किट से सिर्फ 2 घंटे में ही नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये किट काफी अहम साबित होगी। दिल्ली में कल ओमिक्रॉन का एक और केस मिला है। इसके साथ ही देश भर में ओमिक्रॉन वायरस के संक्रमितों की संख्या 33 हो गई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 17, राजस्थान में 9, गुजरात में 3, दिल्ली और कर्नाटक में 2-2 केस मिले हैं। इस बीच देश में वैक्सीनेशन जोरों से चल रहा है। अब तक 133 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच 10 राज्यों के 27 जिलों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को लिखी चिट्ठी में बढ़ते कोरोना केसेस पर खास ध्यान देने को कहा है। इसमें पहले हिस्से में उन जिलों को शामिल किया गया है जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसमें 3 राज्यों में 8 जिले शामिल हैं। इन राज्यों के नाम है मिजोरम, केरल और सिक्किम। केंद्र ने ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम नोटिस जारी किया है। एहतियात के तौर पर नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठाने को कहा है। साथ ही ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक और शादी समारोह और अंतिम संस्कार जैसे मौके पर कम लोगों को आने की अनुमति दी गई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने नई मुसीबत पैदा कर दी है। इसकी जांच में पता चला है कि ये 2 म्यूटेंट में विभाजित हो गया है। नए म्यूटेंट का पता लगाना और भी ज्यादा मुश्किल है। ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट के कई मामले दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मिले हैं। कोरोना का पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में ही पाया गया था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हेल्थ सर्विस के लिए महामारी से प्रभावित करीब 40% लोगों ने रिश्वत दी है। एक सर्वे में पाया गया है कि 5 में से 2 लोगों के परिजन को अस्पताल में एंट्री, बेड, वेंटिलेटर और मेडिसिन का लाभ उठाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। हालांकि इस सर्वे में किसी ने भी डॉक्टरों या नर्सों को रिश्वत देने की बात नहीं कही। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। 13 और 14 दिसंबर को पीएम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए वे वाराणसी में रहेंगे। पीएम काशी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मेहमान एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत करेंगे। कल होने वाले काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के कार्यक्रम को लेकर काशी वासियों में खासा जोश देखा जा रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि धाम के लोकार्पण पर काशी के 8 लाख घरों में लड्डू के पैकेट और भगवान भोलेनाथ की आरती पुस्तिका पहुंचाई जाएगी। ये काम बीजेपी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए 4 और लोगों के शवों की पहचान DNA टेस्ट के आधार पर हो गई है। सेना परिवार के करीबी सदस्यों को आज इनके पार्थिव शरीर सौंपेगी। बुधवार को सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक पायलट की हालत स्थिर है।